दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले 10 दिनों से ईडी की कस्टडी में रह रहे अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे बार के रिमांड की मियाद आज खत्म हो रही है। ठीक सुबह 11:30 बजे उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि उनकी रिमांड बढ़ेगी या उन्हें न्याय की हिरासत यानी कि जेल में भेजा जाएगा या फिर उन्हें राहत मिलेगी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी ठहराए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आज बड़े फैसले का दिन है, क्योंकि दूसरी बार हिरासत खत्म होने की वजह से आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। पेशी सुबह 11:30 बजे होगी। अब सवाल ये है, आज कोर्ट में ईडी फिर हिरासत बढ़ाने की मांग करेगा या फिर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा या केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। केजरीवाल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा जो प्रावधान है उसके मुताबिक ज्यादा उम्मीद यही है कि कोर्ट या तो फिर ईडी हिरासत बढ़ा दे या फिर अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दे, क्योंकि अभी तक इस मामले में ऐसा ही होता आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 22 मार्च को पहली पेशी के बाद कोर्ट ने 28 मार्च तक 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजा, फिर 28 मार्च की पेशी के बाद हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। शराब नीति की एक और दोषी के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया और दो बार ईडी की हिरासत के बाद 26 मार्च को 9 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जो अभी तिहाड़ जेल में है। इसी मामले में आप सांसद संजय सिंह को आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई थी। संजय सिंह अभी जेल में है। तत्कालीन आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और कथित घोटाले से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप है। वो भी अभी न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। इससे साफ है कि आज केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी एक वजह और भी है कि 28 मार्च को पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल पर जांच और पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं, अपने गैजेट के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं, शराब नीति बनाने के वक्त जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते थे उसे गुम हो जाने की बात करते हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल ने खुद पैरवी करने की कोशिश की थी और दलीलों में कहा था महज 4 गवाहों के नाम देने पर उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की तरफ से बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा देने की जांच की मांग की थी, साथ ही साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी करने और उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया था। हालांकि कोर्ट में ये दलीलें काम नहीं आई और कोर्ट ने फिर 4 दिन की ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उन पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, लेकिन उनकी तरफ से खासतौर पर मोर्चा संभाला उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने और दावा किया वो ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहने वाले हैं। क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान है? क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रवैया अपना रखा है। सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल को रिहा करो। सत्ताईस मार्च को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन उसमें हंगामे के सिवाय कुछ नहीं हुआ और हंगामा भी किया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, जो अपने नेता की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। आज भी विधानसभा की बैठक होगी जिसमें दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा होगी। ये चर्चा केजरीवाल के कहने पर ही होगी, जिन्होंने हिरासत से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करके अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त टेस्ट और मुफ्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था। लेकिन आसार ऐसे दिख रहे हैं कि अगर आज केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो विधानसभा में आज भी हंगामे के अलावा कुछ नहीं होगा। लिहाजा सबकी निगाहें राउस एवेन्यू कोर्ट पर टिकी है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।